अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप्स आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज की मज़े की रेसिपी जो आपको नजर आ रही है उसका नाम है कैंडी एंड कॉफी कस्टर्ड ट्राइफल और ये आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना मज़े का है अमेजिंग है और लुक भी आप देख लें कि कितनी अच्छी आई है इसकी और रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मज़े की वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले जी हमने कस्टर्ड बना लेना है अपना एक लीटर दूध लिया हाफ कप मैं शुगर यूज कर रही हूँ शुगर आपने अपनी मर्जी से डालनी है आप कम चाहिए आप कम डालें ज्यादा चाहिए ज्यादा डालें और जी ये बिल्कुल मुनासिब टे, इसका टेस्ट आएगा और आपने बस चीनी को मिक्स होने देना उसके अंदर हाफ कप क्रीम ऐड कर देनी है क्रीम आपने ज़्यादा बीटर था नहीं तो आप इसको बीट करके क्रीम को ऐड कर लें और अच्छे से इस तरह मिक्स कर लें क्रीम को और दो से तीन मिनट आप इसको ऐसे मिक्स करें और पकाएं दूध लिया चीनी ली और उसके बाद हमने क्रीम ऐड कर दी है अब आप इसके साथ ही कैंडी बिस्किट को क्रश करके रख लें और कॉफी यूज करूंगी मैं बस अच्छे से आपने इसको मिक्स जरूर करते रहना है ये जी तीन से चार टेबल स्पून में कैंडी बिस्किट क्रश डाल रही हूं बहुत ही आसान रेसिपी है और मैं अपनी हर रेसिपी पे भी कहती हूं कि ये आसान है वाकई आसान होती है और टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग होती है तो जिस जिसको ये अच्छी लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी है कॉफी ऐड कर रही हूं वन एंड हाफ मैंने टेबल स्पून कॉफ़ी यूज़ की है आप मेरे पास पाउडर फॉर्म में थी आपके पास दूसरी दानेदार है तो आप वो यूज़ कर लें कोई मसला नहीं है अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इसको जी चार से पांच मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है ठीक है कोई इसका लंबा चौड़ा काम नहीं है बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखें जी इसका कलर आना शुरू हो गया कॉफी का मैंने पाउडर फॉर्म में डाली है इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर आया है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा वनीला कस्टर्ड मैं इसके अंदर यूज करूंगी तो आप लोगों ने वनीला ही यूज करना है और उतना यूज करना है कि जितना आपको थिक चाहिए थिक हो जाए आपका कस्टर्ड तो ये जी मैंने ऐड कर दिया वनीला कस्टर्ड और ये अब ठीक होना शुरू हो गया है तो तकरीबन हमारा रेडी है ये देखिए जी इसको आपने ज़्यादा ठीक नहीं कर देना है ये ठंडा होके खुद ही ठीक हो जाएगा ये जी ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें आप कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस उसको देखने को मिलेंगी ये देखिए डन कस्टर्ड हो गया डन इसको आपने अच्छे तरह कूल होने के लिए छोड़ देना है जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे और आजकल वैसे ही सर्दी है जल्दी ठंडा हो जाएगा कस्टर्ड सेकंड स्टेप में जी हमने कॉफी सिरप बनाना है हाफ से कम दूध लिया मैंने कोल्ड मिल्क लेना है आपने सॉरी जी हॉट मिल्क लेना है हमने ठीक है और उसके अंदर हम यूज करेंगे कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क टू टेबल स्पून फुल भर के हमने इसके अंदर ऐड करना है जी गरम दूध हमने इसलिए लेना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए सेकंड स्टेप में हमने कॉफी सिरप बना लेना है और वन टेबल स्पून में इसके अंदर कॉफी ऐड कर रही हूँ अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और साइड पर रख देना है जी थर्ड स्टेप में जी हमारी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी और हमने ये एक डिश लेनी है उसके अंदर हम मैंने क्रस्ट बिस्किट कैंडी डाल दिए हुए हैं और साथ ही मैं इसके ऊपर कॉफ़ी सिरप डालूंगी और ये आप देख लें इस तरह से मैंने आप डाल लें आपके पास किसी बो, बोतल में आप डाल के इजीली इसको आ, डाल सकते हैं आपके पास होगी तो आप यू, वो भी यूज कर लें ये स्पून से आप इसको कैंडी बिस्किट के ऊपर डाल लें कैंडी बिस्किट के मैंने दो पैकेट लिए थे ठीक है उसको आपने क्रश कर लेना है अच्छे से और उसके ऊपर हमने सिरप ऐड कर दिया इस तरीके से आपने इसको डालते जाना है और पाँच मिनट आपने इसको साइड पे रख देना है ये जी ये डन हो गया तो अब हम इसके सेकंड स्टेप में हम करेंगे क्रीम यूज करेंगे क्रीम आप बीट कर लेना और क्रीम बीट करने के बाद आप इसकी सेकंड पे भी आप क्रीम यूज कर लें ठीक है क्रीम की आप लेयर लगा लें कैंडी बिस्किट कॉफी सिरप और फिर क्रीम की लेयर लगा लें जी क्रीम की लेयर लगाने के बाद जी हम इसके अंदर अपना कस्टर्ड ऐड कर देंगे कस्टर्ड को आप अच्छे से थर्ड लेयर लगाएंगे उसकी कस्टर्ड देख के जी मुझे कैरमल कस्टर्ड याद आ गया बिल्कुल इसी कलर का वो और होता है और वो भी बहुत मजे का होता है जी इस तरह से मैंने क्रीम ऊपर कस्टर्ड के लगा दी है और क्रश्ड कैंडी बिस्किट से ही ऊपर गार्निशिंग कर रही कैरमल कस्टर्ड भी मैंने ट्राई किया था और उसकी लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पर जरूर डालूंगी आपने वो भी देखना है और उसको भी ट्राई करना है और ये कैंडी कॉफी ट्राइफल को भी ट्राई करना है ये साथ जी मेरी बेटी छोटी हेल्प करा रही है मेरी हेल्प कम होती है और काम ज्यादा बढ़ा देते हैं ये देखें जी कैंडी बिस्किट डल गया चॉकलेट चिप डाल दें आप ऊपर चॉकलेट तो आपके पास कोई भी है तो आप और यूज कर लें मैंने तो डेरी मिल्क ही डाल दी थी ये देखिए लास्ट में कैंडी बिस्किट आप ऊपर ऐसे लगा दें इससे और अच्छी लुक हो जाएगी इसकी ये देखे जी हेल्प हो रही है ये हमारा कस्टर्ड रेडी है और आपने इसको फ्रीजर में रख लेना है जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको सर्व करना है और जिस जिसको ये अच्छा लगेगा और इसको ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आई आपने इसको शेयर करना लाइक करना थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़